अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। यह क्लास 11 चैप्टर हो गया आपको 12 और चैप्टर नेम आपको हो गया इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एक प्रश्न वाली आपको 12.1 हो गया। कड़ाई की एक बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, एक कोई बिंदु है जो एक्स अक्ष पर आपको स्थित है, इसके वाई निर्देशांक और जेड के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए इनकी फिगर जो है आपको इस प्रकार से बनेंगे। तो फाइनली जब एक्स अक्ष पर स्थित है तो सिर्फ एक्स का मान होगा, ये समझिए एक्स, ये आपका वाई और ये जेड है। इस अगर इस यहाँ पर स्थित हो तो सिर्फ एक्स का मान होगा, रेस्ट वाई और जेड के मान आपको शून्य होंगे। तो इसलिए इनका सही हल आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स 0 0 होते हैं, जिसमें वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0 होते हैं। प्रश्न संख्या पर दो देख सकते हैं कि एक बिंदु एक्स जेड तल में है, एक बिंदु है वह एक्स जेड तल में है। तो ये एक्स जेड तल में है, इसके वाई निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए एक्स जेड तल में जो है, एक्स जेड तल में वाई का निर्देशांक 0 होगा, क्योंकि तल x और z का है, तो सिर्फ आपको निर्देशांक x और z का ही मिलेगा, y का मान क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो देखिए हम पहले क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, z लिखते हैं। तो इसलिए इनका निर्देशांक आपको x 0 और z होगा, क्योंकि y का जो है मान शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कड़ाई की अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित है। तो आपको क्या करना है कि इनका जो टेबल है उनको पूरी तरह से याद कर लीजिए। आप सभी अष्टांश का नाम बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस अष्टांश में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो है आपका कि 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान भी पॉजिटिव है, ये तीनों क्या है, पॉजिटिव है 1 2 3 में। तो ये आपको पहला अष्टांश में हो गया, फर्स्ट ऑक्टेंट में हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो है 4 -2 3 है। तो देखिए अगर आपको y का मान नेगेटिव रहे, x और z पॉजिटिव रहे, तो यह जो होता है आपको चौथा अष्टांश में होता है, यानी चौथा अष्टांश में होगा। इसमें क्या होता है, x का मान पॉजिटिव होता है, y का मान नेगेटिव होता है और z का मान पॉजिटिव होता है। तीसरा सवाल जो है 4 2 -5। तो देखिए 4 2 - है आपको 5, तो यानी आपको x का मान पॉजिटिव है, उसके बाद y का मान पॉजिटिव है और z का जो मान है वो आपको नेगेटिव है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं 4 2 - 5 जो है ये आपको जो होंगे पाँचवा अष्टांश में होंगे, लेकिन यहाँ पर आठवां है, ये गलत है, या नहीं तो अच्छा यहाँ पर ये माइनस छूटा हुआ है 2 में। तो ये है अगर x पॉजिटिव हो, y नेगेटिव और z नेगेटिव हो तो आठवां अष्टांश में होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 2 में जो है माइनस छूटा हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं इसी का 4 4 2 - 5 है। तो देखिए x पॉजिटिव y पॉजिटिव है, इसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव, z नेगेटिव है, तो इसलिए ये पाँचवा अष्टांश में होगा। ये 5 नंबर में देख सकते हैं कि -4 2 -5, यानी x आपको नेगेटिव है
वाई आपको पॉजिटिव है, फिर जेड आपको नेगेटिव है। तो ऐसा आपको जो होता है अष्टांश वो होता है छठा अष्टांश में होता है, यानी छठा अष्टांश में आपको एक्स नेगेटिव और जेड नेगेटिव होते हैं, वाई पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं छः में माइनस चार दो पाँच, यानी एक्स का मान आपको नेगेटिव, वाई का मान पॉजिटिव और जेड का मान पॉजिटिव है। तो एक्स का मान नेगेटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव, तो यह जो होता है दूसरा अष्टांश में ऐसा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि माइनस तीन माइनस एक और छ है, तो यह किस अष्टांश में होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक्स का मान नेगेटिव है, वाई का मान भी नेगेटिव है और जेड का मान पॉजिटिव है। तो देखिए एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, यह होता है तीसरा अष्टांश में। तो ये थर्ड ऑक्टेंट में होंगे। अब आठवां इसी का क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो माइनस चार माइनस सात, तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव और आपको वाई और जेड नेगेटिव, तो ये आठवां अष्टांश में ऐसा होता है। तो आठवां ऑक्टेंट में ये बिंदु आपको होंगे। अब क्वेश्चन नंबर चार यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर चार है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को डैश कहते हैं। तो देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो मिलकर तल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई तल कहते हैं। फिर कहता है इसी में दो नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक रूप में होते हैं। तो एक्स वाई तल में देखिए जब एक्स वाई तल की बात हो रही है तो बिंदु के जो निर्देशांक होंगे उसमें एक्स का मान होगा, वाई का मान होगा, जेड का मान क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि एक्स वाई तल में आपको एक्स और वाई के ही निर्देशांक मिलेंगे। उसके बाद है कि निर्देशांक अक्ष तल को, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को डैश अष्टांश में विभाजित करते हैं, तो आठ अष्टांश में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये भरा जाएगा इसमें लिखा जाएगा आठ। तो यहाँ पर हल को भी देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप अपने कॉपी पर उतार सकते हैं। अगर वीडियो यह पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाए, और साथ ही आप 11th का संपूर्ण सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के हैशटैग को ज़रूर छुए। यहाँ पर आपको 11th सॉल्यूशन का सब वीडियो एक साथ मिल जाएगा। और आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हो और 12th शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग लाइव क्लास के माध्यम से 7 बजे से जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ।